अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। क्या गलती हो गई? गाड़ी तो नजर नहीं आ रही, अब लगता है कहीं गायब हो गई है। क्या गायब हो गई? क्या तुम देख नहीं रहे थे उसे? चले कोई बात नहीं, अभी तो निकाह होना है, आप शरीक तो होंगे ना? तुम शायद भूल रही हो कि बिल्किस की कॉल आई थी, मुझे ऑफिस जाना जरूरी है, बुला रही है मुझे वो। और जाकर जो भी पूछना हो ना अपने शौहर से पूछना। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप इस वक्त यहाँ से चली जाएं। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम जैसे चीप लोगों के मुंह लगने का। मैं जानती हूँ तुम्हारा यहाँ अकेले दिल नहीं लगेगा और ये घर अकेले तुम्हें काट खाने को दौड़ेगा। अरे पागल, मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। पक्का ना? अच्छा, इसका मतलब उसे पता नहीं चला कि कौन था मेरे साथ। जुबैर प्लीज आप जल्दी आ जाएं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। हेलो जुबैर, मेरी बात तो सुने। हाँ बिल्किस, तुम कहो, मैं कब से तुम्हारे ऑफिस में वेट कर रहा हूँ, कब आओगी तुम? जुबैर ये ऑफिस का ड्रामा बंद करो और जल्दी घर आओ। अरे ड्रामा का बिल्किस, मैं तो ऑफिस में बैठा हूँ। मुझे पता है तुम ऑफिस में हो और क्यों हो ये भी जानती हूँ। घर पहुंचो जल्दी। तुम्हें क्या लग रहा था जुबैर, मैं इस्लामाबाद चली जाऊंगी तो तुम यहाँ इस लड़की के साथ रंगरलियां मनाते रहोगे? तुम इतने नमक हराम निकलोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम समझने की कोशिश करो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। जुबैर मुझे रात को ही तुम पे शक हो गया था जब तुमने मुझे साफ साफ मना कर दिया था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। बिल्किस सब कुछ भी नहीं है बिल्किस, तुम बस करो जुबैर, तुम्हारा पोल खुल गया। तुम सारा दिन किसके साथ थे और कहां कहां गए थे सब मुझे पता है, एक एक पल की रिपोर्ट है मेरे पास तुम्हारी, और सबसे बड़ा सबूत है तुम्हारी गाड़ी जो तोहफा तुम वहां पर छोड़कर गए थे उन लड़कियों के घर के बाहर। प्लीज मैं समझाता हूँ तुम्हारी बात। अब कोई नया ड्रामा नहीं करना, साफ साफ बताओ कब से चल रहा है ये चक्कर। सुबह तुम उन दोनों में से किसके साथ गए थे कॉफी पीने? वो सौलिया तो वैसे ही अपने निकाह के लिए बैठी हुई थी, अपना निकाह छोड़कर जाने से तो रही वो, और बची वो जारा, डेफिनेटली तुम उसी के साथ गए होगे। बोलो वही थी ना? सुबह मैं बहुत गुस्से में हूँ और ऐसा ना हो इस गुस्से में कोई ऐसा कदम उठा लूं जो तुम्हारे हक में बिल्कुल बेहतर ना हो। तुम समझ क्यों नहीं रही हो, मैं जारा को जॉब की लालच दे के सौलिया और शुएब का रिश्ता रुकवाना चाहता था। मैंने उसे लालच भी दिया, वो तो मान भी गई थी, अचानक तुम्हारी कॉल आ गई और मैं सब छोड़ छाड़ कर आ गया। अच्छा तो तुमने उसको जॉब का लालच दिया था? हाँ, प्लीज तुम समझने की कोशिश करो, मेरा सिर्फ मकसद ये था कि उन दोनों का निकाह रुक जाए। एक बात कहूँ जुबैर, तुम ज्यादा दूर नहीं भाग सकोगे, यूं समझो कि पकड़े गए। बुलाती हूँ कल तुम्हारी माशूका को ऑफिस, बात करती हूँ उससे। उसको ऑफिस बुलाने की क्या जरूरत है? जरूरत है, फोन दो मुझे अपना, फोन दो मुझे अपना। देखो उसको किसी और नंबर से इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, समझ आई? बिल्किस, बिल्किस मेरी बात। आज आखिरकार
हम दोनों साथ हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, मैं मिस्टर शुएब और आप मिसेस शुएब बन गई हैं। सॉरी, आज मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मुझे अपनाने के लिए। आपके बिना मेरी ज़िंदगी कुछ नहीं थी, सब कुछ अधूरा था। आप आए तो मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आ गई, बाहर आ गई। हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहना। थैंक यू। क्या क्या देखो, क्या
कितना दिल कश जाल बिछा है। गुड मॉर्निंग माय वाइफ, सोते हुए तुम कितनी हसीन लगती हो। वैसे तो मैं तुमसे सब कह सकता हूँ, लेकिन आज तुम्हारी बंद आंखें मुझे हिम्मत दे रही हैं कि मैं तुमसे अपनी स्टूपिड बातें भी कह सकता हूँ। लेकिन अगर तुमने अपनी आंखें खोल दी तो मुझे अपना आप भी स्टूपिड लगेगा। और पता है तुम्हें वो स्टूपिड बात क्या है? अब हर सुबह मुझे खुद को यकीन दिलाना होगा कि सब ख्वाब नहीं हकीकत है। तो यकीन कर ले जनाब, यह हकीकत है। तो आप जाग रही थी? जी, मैं तो तभी उठ गई थी जब आपने मुझे गुड मॉर्निंग कहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरी बंद आंखें आपको स्टूपिड बातें कहने की हिम्मत देती हैं, तो क्यों ना थोड़ी देर के लिए आंखें बंद ही कर ली जाए। अच्छा, तो आप सोने का ड्रामा करके मेरी सारी बातें सुन रही थी। जी बिल्कुल, लेकिन आई थिंक आप वाकई स्टूपिड हैं। वो कैसे? इतना तो सोचें, अगर मुझे पाकर आप लकी हैं तो आपको पाकर मैं भी तो लकी हूं ना। अरे क्या हो गया, छोड़े? इतनी दुआओं के बाद मेरे पास आई हो, कैसे जाने दूं? हाँ पीना। लड़की फोन क्यों नहीं उठा रही है? मैडम, ब्रेकफास्ट तैयार है आपका। क्या हुआ, परेशान लग रही हो? जारा को कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, उठा ही नहीं रही है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। दोबारा ट्राई करो, हो सकता है बिजी हो। कब से ट्राई कर रही हूँ, उसका नंबर ही नहीं लग रहा है। आप कहें तो मैं चली जाऊं। साथ चलते हैं। साथ? ठीक है, लेकिन आपको बुरा तो नहीं लगेगा? क्यों लगेगा बुरा, पागल हो क्या? नहीं, वो आपको ऑफिस में तो जाना होगा ना। वो सब बाद में, आपकी बहन से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं। और अब तो मुझे भी उसकी फिक्र हो रही है, पता नहीं क्या हुआ है। चलिए मैडम, पहले नाश्ता कर लेते हैं फिर चलते हैं। ठीक है।
बैठे आप। जारा क्या हुआ तुम्हें, बैठो। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करो। कैसे फिक्र नहीं करूँ, हालत देखो अपनी। कहा भी था इसे हमारे साथ चलो, लेकिन ये सुनती कहाँ है किसी की। बिल्कुल ठीक कह रही है सुआलिया। मैंने सोचा तो मैं फोन कर दूं, लेकिन फिर सोचा कि शायद जुबैर ही आ जाए। तो क्यों नहीं किया, कर देती मुझे फोन, मैं आ जाता आपको लेने। तो वो आया क्यों नहीं, तुमने तो कहा था वो आ जाएगा। तुम्हें तो पता है कितना डरता है वो अपनी बीवी से, तो फिर कैसे आता। इसके तो सारे डर मैं आज निकालती हूँ। शुएब आप ऐसा करें, डॉक्टर को फोन करें, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा मैं अभी करता हूँ। ठीक हो जाओगे तुम। ये जुबैर को तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं। क्या करोगे तुम? तुम बस देखती जाओ क्या करती हूँ मैं। अच्छा ये बताओ कुछ खाया तुमने? नहीं मुझे भूख नहीं है। पागल हो गई हो क्या, इस कंडीशन में पता है ना तुम्हें खाना कितना जरूरी है। चलो मैं कुछ बनाती हूँ तुम्हारे लिए, आओ तुम रूम में आओ। जुबैर फोन दो मुझे अपना। फोन क्यों, क्या कर रहे हैं तुमने फोन का? फोन करूंगी उस लड़की को, रात को तो उसका नंबर नहीं लगा था, बुलाती हूँ उसको ऑफिस। खामखा बात को बढ़ा रही हो, ऐसा भी क्या हो गया? इतना कुछ हो जाने के बाद भी तुम ये पूछ रहे हो कि ऐसा क्या हो गया? वाह देखो जो बात थी वो रात को मैंने क्लियर कर दी ना, अब क्या कहना चाहती हो तुम? आज सारे हिसाब क्लियर होंगे, इसके बाद मैं उस लड़की के साथ तुम्हें ना देखूं। फोन दो मुझे इधर लाओ। जुबैर साहब आप तो इंतहाई खुदगर्ज इंसान हैं, बल्कि मैं तो कहूंगी आपको तो किसी का कोई एहसास ही नहीं है, बल्कि आप तो। अरे कौन से कर्ज पूरी नहीं करी लड़की, मुझे बताओ मैं पूरी करवा देती हूँ। ओ तो ये आप हैं, कर्ज की नहीं बल्कि अब हुकूक पूरी करने की बारी है। हुकूक? कैसे हुकूक? मैं ऑफिस आती हूँ, वहीं आके बताती हूँ। आ जाओ भाई, वेट कर रही हूँ तुम्हारा। सोलिया इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो आप? जुबैर को सबक सिखाना, उसके ऑफिस। क्या? आज मैं छोड़ूंगी नहीं इसको। जारा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम क्या करने जा रही हो? रहने दो अभी, यही सही मौका है, आप समझ नहीं रहे शुएब। ठीक है अकेले मत जाओ,
मैं आपके साथ चलता हूँ। नहीं, ज़ारा की तबीयत ठीक नहीं है, आप ऐसा करें, आप उसका ख्याल रखें। और हाँ, वो नाश्ता कर लेना तो उसको मेडिसिन दे दीजिएगा। मैं जा रही हूँ। सवालिया, अगर कोई मसला हो तो मुझे फ़ोन कर देना फौरन। जी, मैं चलती हूँ। Thank you.